गाय के किस अंग में कौन से देवता वास करते हैं? दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का निवास स्थान माना जाता है। उनके सींगों में भगवान शिव और विष्णु जी सदैव विराजमान रहते हैं। गाय के मस्तक में ब्रह्मा जी, गाय के उदर में कार्तिकेय, सींगों के अग्रभाग में इंद्र, दोनों कानों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, दांतों में गरुड़, जीभ में माँ सरस्वती, गुदा में सारे तीर्थ, मूत्र स्थान में माँ गंगा, पृष्ठ भाग में यमराज, मुख के भीतर गंधर्व, नासिका के अग्रभाग में सर्प, खुरों के पिछले भाग में अप्सराएं और पूंछ में साक्षात हनुमान जी विराजमान रहते हैं। भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मांड पुराण और महाभारत में गौ माता के विभिन्न अंगों में देवी देवताओं के होने का विस्तृत वर्णन मिलता है। तीर्थों में स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, व्रत उपवास जप तप और हवन यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य गौ माता को चारा या हरी घास खिलाने से प्राप्त होता है।